दोस्तों फिर से स्वागत है मेरा एक न्यू ब्लॉग में। तो अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे को, ये मेरे हाथ में जाल है और इसी जाल से, छोटा सा जाल है, इसको हम लोग अपने भाषा में इसको क्या बोलते हैं गिरा, इसको गिरा बोलते हैं। ये देखिए, ये गिरा है दोस्तों, इधर बांस का फंसा करके इसको यहाँ से इसको मोड़ करके इसको बनाए रहते हैं, और बनाने के बाद में यहाँ पर किनारे इसको पूरा रस्सी से, धागा से, यहाँ से इसको बांध दिया करते हैं और इस टाइप का हो जाता है दोस्तों, जिसे कि आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पर पकड़ा हूँ, इस टाइप का गिरा बन करके तैयार हो जाता और है। और जैसे कि दोस्तों अभी मेरे हाथ में है, इधर ढूंढ के रखा गया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसको हम अपने भाषा में ढूंटी बोलते हैं, और रस्सी से बांध दिया करता है इसको दोनों तरफ से, और यहाँ पर गली में लटका दिया करते हैं। और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पूरा गड्ढा रहता है, इसमें मछली वगैरह कुछ मिलता है तो वो सबको यहाँ पर भरने के लिए बनाए रहते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं आखिरी तक आप लोगों को दिखाऊंगा मछली मार के कैसे फंसाया जाता है इसमें, इसके अंदर में। तो आप लोग ज़रूर वीडियो में बने रहिए, देखिए। फाइनली दोस्तों मैं नदी में आ गया हूँ, इधर आप देखिए ये नदी, और ये वही नदी है दोस्तों जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, तो बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि आप लोगों को नहीं देखे होंगे तो मेरा पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो उसी नदी में मैं मारने वाला हूँ मछली, तो वीडियो में बने रहिए। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर किनारे जो दिख रहा है, तो किनारे में ही मैं फंसाने का प्रयास करूँगा इसको। इसे यहाँ डालता हूँ, किनारे में डालता हूँ दोस्तों, एक भी नहीं आया। देखिए यहाँ पर मैं देखता हूँ यदि मिल जाए तो, यहाँ पर भी कोई नहीं मिला दोस्त, एक भी नहीं मिला दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं एक मछली पाया हूँ, अभी मिल रहा है धीरे धीरे करके। दोस्तों मैं बहुत दूर आ गया और चलते चलते अब थक भी लग रहा है, और दोस्तों मछली भी नहीं मिला जितना मछली मिलना चाहिए, बस थोड़ा थोड़ा मिला तो काफ़ी है, इतना ही अपने लिए भरपूर है। अब नहीं मिल रहा है, बहुत टाइम हो गया है, इससे भी ज़्यादा समय में मैं नहीं आया, करीबन एक डेढ़ दो घंटा करीबन आसपास होता होगा। दोस्तों जहाँ तक मेरे को हो सका मैंने बहुत मार लिया, अब थक भी लग रहा है, तो अब मैं ज़्यादा समय तक पानी में नहीं रह सकता, और अब टाइम भी हो जा रहा है, करीबन 5-6 बज रहे हैं दोस्तों, तो अब जाने का भी समय हो गया है। तो देखिए इधर पूरा रेता है, ये देखिए दोस्तों पानी से भी मैं ऊपर आ गया हूँ, इधर आप देख सकते हैं, और मैं बहुत ही कम मछली पाया हूँ दोस्तों। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत लेट में मैं आया था, और अभी शाम के समय में कहाँ से मिलेगा मछली, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी जो मछली मेरे हाथ में है जितना मैं पाया हूँ, उसको भी पानी से धो लूँगा, इसको धो करके घर ले जाऊँगा। इसको आसानी से रगड़ देने से पूरा इसका छिलका निकल जाता है।
तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत ही मेरा छोटा सा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो जो लोग नए देखते हैं, मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। कमेंट में बताएं कि कैसा लगा वीडियो, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।